आपने जियो का सिम यूज कर रहे हो तो गाइस आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप जियो का कॉल डिटेल्स को कैसे निकाल सकते हो। समझ के आपने एक हफ्ते पहले कहीं पे भी कॉल किए थे या तो 15 दिन पहले आपके नंबर पे अननोन नंबर पे कॉल आया हुआ था, आपने किसी के बस मैसेज किए थे एक हफ्ते पहले, आप ये सारा का सारा डिटेल्स निकालना चाहते हो, आपके पास जियो का सिम है तो कोई बात नहीं, आप इजी तरीके से आप ये डिटेल्स को निकाल सकते हो। समझो कि आपके घर के मेंबर की पास एक फ़ोन है, बार बार बिजी बता रहा है, बट उनके पास जियो का सिम है, बार बार कॉल कर रहे हो तो उनका नंबर बिजी बता रहे हैं, बट आप जैसे कि उनसे पूछते हो तो बता रहे कि मैं कहीं पर कॉल नहीं किया हूँ, ऐसे बिजी बता रहे थे। बट आपने ये डाउट भी क्लियर करना चाहते हो, कहीं दूसरा और किसी से तो बात नहीं कर रहा है, ये डाउट भी क्लियर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बट देखिए कॉल डिटेल्स को निकल के आप पता कर सकते हो, और वो सामने वाला बंदे भी जियो का सिम यूज़ कर रहे तो आप उनका भी कॉल डिटेल्स को पता कर सकते हो। कैसे करोगे चलिए मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन पा सको। चलिए के लिए आपको करना है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को बस चला आइएगा। आपको करना है कि गूगल प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना। ओके, जैसे कि आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करोगे आपके पास जियो का सिम है तो सिंपल आपको सर्च बार पे क्लिक करना है माई जियो। ओके, ये माई जियो लिखकर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको करना है कि माई जियो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है अपना मोबाइल फ़ोन में। तो गाइस समझो कि आप अपना खुद का आप कॉल डिटेल्स को निकालना चाहते हो या तो दूसरा और किसी के भी कॉल डिटेल्स को निकालना चाहते हो, इसके लिए आपको करना है कि जैसे कि आपने माई जियो एप्लीकेशन ओपन करोगे, माई जियो एप्लीकेशन ओपन करने के साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर देना है, या तो आप अपना डिटेल्स को निकालना चाहते हो आप अपना नंबर दे दीजिएगा, अपना नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को देने के बाद सबमिट कर देना है। समझे दूसरा और किसी का भी कॉल डिटेल्स को निकालना चाहते हो उनकी जियो सिम है, आप क्या कीजिएगा माई जियो एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। उनका मोबाइल नंबर जैसे कि आपने टाइप कर दोगे उनको ये बताना है कि आपका मोबाइल फ़ोन में एक OTP जा रहा है, OTP मुझे दे दो, आपको इतना ही बात करना है उनसे। तो जैसे कि उनकी पास से आप OTP ले लोगे, OTP नंबर उनके पास से ले लोगे, लेने के बाद इस प्रकार से आपको माई जियो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे अभी आपको करना है कि सिंपल देखिए नीचे की ओर चला आना है। जैसे कि आपने नीचे की ओर चला आओगे देख सकते हो यहाँ पे आपका नंबर शो हो रहा होगा और देखिए कितना दिनों की रिचार्ज की वैलिडिटी है ये आपको यहाँ पे पता चलने लगेगा। अब भी आपको करना कि सिम वाले एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने ये वाले एरो पे क्लिक कर दोगे देखिए आपका नंबर ऊपर शो होने लगेगा, अब भी आपने कितना डाटा यूज़ किया ये भी डिटेल्स पता चलने लगेगा। अभी सिंपल नीचे की ओर चला आना है। जैसे कि आपने नीचे की ओर चला आओगे सिम पे देखिए एक ऑप्शन है माई स्टेटमेंट, तो आपको माई स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए 7 डेज है, 15 डेज है, 30 डेज है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा सिम पे देखिए व्यू स्टेटमेंट, आप चाहो तो ईमेल पे भी स्टेटमेंट मंगा सकते हो, आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर आपको किसी को दिखाना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैं सिम्पल व्यू करके आपको दिखा दूंगा व्यू स्टेटमेंट। अभी इससे देखिए व्यू स्टेटमेंट पे जस्ट क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मैं व्यू स्टेटमेंट क्लिक कर दूंगा देखिए थोड़ा सा लोड होने लगा है, लोड होने के साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपका पूरा फुल डिटेल्स देखने को मिलेगा, यानी कि सिम जिनका नेम से लिया उनका नेम पता चलेगा, उनका डिटेल्स इस प्रकार से पता चलने लगेगा। अब भी आपको करना क्या देखिए यूज इट चार्जेस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आपके सामने 3 ऑप्शन खुल के आ जाएगा, देख सकते हो लिखा है डाटा, वॉइस और SMS। आपने वॉइस डाटा पे क्लिक करोगे तो कितना इंटरनेट यूज़ हुआ ये देख सकते हो, वॉइस पे क्लिक करोगे तो आप वॉइस कॉल डिटेल्स को पता कर सकते हो। जैसे कि वॉइस पे क्लिक करोगे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो गैस उनका नंबर देखिएगा, उनका नंबर शो होने लगेगा, जिनसे बात हुआ है उनका पूरा फुल नंबर इस प्रकार से शो होने लगेगा। खाली ये नहीं, आप उनका नंबर के साथ कितना मिनट बात हुआ है ये भी आप पता कर सकते हो। देखिए सिंपली क्या बोला एरो पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो 30 सेकेंड बात हुआ इस प्रकार से देख सकते हो, 12 सेकेंड बात हुआ है। ओके, इस प्रकार से आप पूरा फुल डिटेल्स देख सकते हो कि कितना मिनट बात हुआ है, नहीं ओके 110 सेकेंड बात हुआ, इस प्रकार से आप देखो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर पे कॉल आया हुआ है, कौन सा नंबर पे कॉल गए, इस प्रकार से आप सारा का सारा डिटेल्स इस प्रकार से देख सकते हो। देखिए पे तो गए इस प्रकार फुल डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस प्रकार से आप ले सकते हो।
गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चले आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे।